अगर कोई पूछे कि भारत में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है तो जवाब है मालदीव। वजह उनके मंत्री का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी। मामले के बाद से लगातार भारत और मालदीव के रिश्तों में दिनों दिन खटास बढ़ती जा रही है। भारत में क्रिकेटर्स से लेकर बॉलीवुड के सितारे मालदीव को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुना रहे हैं। वहीं मालदीव की सरकार ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित भी कर दिया है, पर मामला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मामले में पाकिस्तानी क्रिकेटर की एंट्री हो गई है। नाम है दानिश कनेरिया। वैसे परिचय के लिए इनका नाम ही काफ़ी है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में स्पिनर की भूमिका बखूबी निभाई है। दानिश कनेरिया ने मालदीव विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा है, अब उनका पोस्ट चर्चाओं में है। पोस्ट में उन्होंने फायर इमोजी के साथ लक्षद्वीप लिखा है। उनका ये शब्द और शब्द के साथ जुड़ा इमोजी सब कुछ बयां कर रहा है। उन्होंने अपने इस शब्द के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया है। अब दानिश का पोस्ट लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इससे पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी मामले को लेकर पोस्ट किया था। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने लिखा था, यह देखकर बेहद दुख हुआ कि भारत के बारे में क्या कहा जा रहा है। अपने भव्य और सुंदर समुद्र तटों के साथ लक्षद्वीप एक आदर्श स्थान है और निश्चित रूप से अगली छुट्टियों पर मैं यहाँ अवश्य जाऊँगा। जब से मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बाद से हजारों लोगों ने मालदीव यात्रा को कैंसिल कर दिया है।